हेलो किरण, तुम कैसे कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं। तुमने मुझे कैसे याद किया? मैं तुम्हें भूली कहाँ थी जो तुम्हें याद करती। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, बहुत गलत किया। लेकिन खुदा जानता है, जब भी नमाज पढ़ती अपने किए हुए गुनाहों की माफी मांगती बहुत पछतावा होता है मुझे। मैंने वाकई तुम्हारे साथ बहुत गलत किया उजाला। तुमने सारी जिंदगी मेरा साथ दिया, मेरे मेरे ऐबों पर पर्दा डाला। मैंने हमेशा तुम्हारा सिर्फ बुरा ही सोचा, कभी तुम्हारी अच्छाई को देखा ही नहीं। मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ और शायद सेल्फिश भी हूँ। उस दिन तुम्हारे ऑफिस आकर मैंने पता नहीं इतना बुरा भला कहा, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। मैं उसके लिए वाकई शर्मिंदा हूँ। तुम शर्मिंदा हो मेरे लिए यही काफी है। तुम बहुत अच्छी हो, इतना सब होने के बावजूद भी तुम मेरा भला ही सोच रही हो। मतलब अगर इस बुरे वक्त में तुम मेरा साथ ना देती तो क्या होता? अगर मेरी सगी बहन होती तो वो भी शायद मेरे बारे में इतना नहीं सोचती जितना तुमने सोचा। हैरत हो रही है ना तुम्हें मेरे मुंह से ये सारी बातें सुनकर? यकीन नहीं आ रहा होगा कि बिल्कुल सच है कि मैं तुम्हारी तरफ से बदगुमान थी। मेरा दिल बदगुमान था। अभी तुम्हें जुहेब से बात करता सुनकर मेरे दिल से तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें थी सब दूर हो गई हैं, मेरी बदगुमानियाँ दूर हो गई हैं। क्या सुना तुमने? कि तुम जुहेब से रिक्वेस्ट कर रही थी ना कि वो जरबाब को समझाए कि जरबाब मुझे तलाक ना दें। तो कितनी अच्छी हो, मेरे इतना बुरा भला कहने के बावजूद भी तुम सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रही हो। मुझे माफ कर दो किरण, मैं तो बस इस घर का सुकून चाहती हूँ। मानी जान की तुम में जान अटकी है, अगर तुम खुश रहोगे या बात रहोगे तो इस घर के लोग भी खुश रहेंगे। तुम वाकई बहुत अच्छी हो जाला, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी।